हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक नया मेकअप ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी होगा एंड समरी वाइब्स के रिलेटेड होगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो विथ यू गाइज एंड मैं आप लोगों के साथ ही काफ़ी टाइम से शेयर करने वाली थी मेकअप ट्यूटोरियल, बट कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं एक्टिव नहीं थी एंड मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। बट लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम काफ़ी ज़्यादा मिनिमल रखेंगे इसको, बट एज़ यू ऑल नो कि लोग घूमने जा रहे हैं एंड वी लुक कि हम बहुत अच्छे लगे उस लुक में एंड हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक हो मेकअप करने की, जिससे हमें बिल्कुल भी ये भी ना लगे कि हमने मेकअप किया एंड हम ग्लो भी करें। तो दैट्स अ ट्रिक यूजुअली। प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड बिकॉज बैकग्राउंड अभी अच्छा नहीं है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद माई मेकअप वीडियो। ओके, फॉर द बेस आई यूज दिस सेरी का मेरे पास कंसीलर है एंड इन समर्स यू ऑल नो कि हम ज़्यादा बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो विल जस्ट गो विद द मिनिमल थिंग। तो दैट इज़ लाइक मैं सिर्फ कंसीलर है जिससे अपनी आईज और अपने फेस को प्रेप करूँगी एंड वी आर गुड टू गो देन। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कंसीलर एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हर वीडियोज़ को जिस तरीके से रॉ रखती हूँ, रियल रखती हूँ, मैं इसको भी रखूँ। And let's just start with the concealer because गर्मियों में you don't need anything। इससे पहले मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था एंड देन उसके बाद मैंने अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने अपनी स्किन को अच्छे से सनस्क्रीन से प्रेप किया है एंड देन आई हैवन्ट यूज एनी प्राइमर बिकॉज मुझे लगता है कि अभी मुझे प्राइमर की नीड नहीं है एंड गर्मियों में मैं अवॉइड भी करती हूँ प्राइमर लगाना। सो दिस इज़ द थिंग एंड मेरे जो भी एरियाज रिक्वायर्ड थे, मुझे जहाँ पे ये सब लगा लेना चाहिए था, कंसीलर लगाना चाहिए था, मैंने लगा लिया। सो दिस इज़ अ लिटिल लाइट वन बट मैं इसे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, बट आज मैं इसको नॉर्मली भी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई वुड लव टू सी द रिजल्ट। इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये आपको हाईलाइटिंग दे देगा द एरियाज वेयर यू रिक्वायर्ड, राइट। तो मुझे ऐसी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं थी कलर करेक्शन की, कॉमोफ्लैश भी नहीं किया मैंने। तो डायरेक्टली आई हैव जस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग दिस एंड यू क्लियरली सी कि मेरे एरियाज जो हैं हाईलाइट भी हो जाते हैं इससे एंड सॉरी गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर इट। यू कैन सी क्लियरली दैट मेरी स्किन पे जो है एक बहुत प्रिटी सा बेस क्रिएट हो गया है, जबकि मैंने कोई एफर्ट नहीं लिया है, जस्ट कंसीलर एंड नथिंग एल्स। ये कंसीलर जो है काफ़ी हाई कवरेज कंसीलर है, सो आपको एक बहुत प्यारा सा प्रिटी सा ग्लो दे देता है एंड या कैन यू सी दिस। I haven't anything else. I haven't used anything else. So मेरा main purpose जो होता है guys, वो यहाँ आके आप लोगों से discuss करना होता है कि मैं कैसे makeup करती हूँ and आप लोग कैसे makeup कर सकते हो। आप लोगों को कोई ऐसे ज़्यादा makeup products नहीं होने चाहिए आप लोगों की vanity में। आप लोग अगर struggling हो अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हो मेकअप लाइन में, सो आई एम वन ऑफ यू एंड मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अगर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहे हो मेरे से तो कुछ सीख सको या थोड़ी सी मैं आपको किसी भी वे में हेल्प कर सकूं। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं मैं उन्हें यूज़ करती हूँ, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं खरीदती एंड ट्राई करती हूँ कि मेरा कंटेंट जो हो काफ़ी रॉ हो, रियल हो एंड आई जस्ट डोंट लाइक एडिटिंग अ लॉट ऑफ थिंग एंड शोइंग द फेक थिंग्स। सो मैं आप लोगों को काफ़ी रॉ एंड रियल चीज़ें ही दिखाती हूँ। तो दिस इज़ माई बेस एंड गाइस, सो फिलहाल आज की जो समर लुक होती है उसमें मैं ज़्यादा कुछ आई पे भी नहीं लगाती हूँ, जस्ट अ मस्कारा एंड अ लिप ग्लॉस एंड दैट्स गुड टू गो। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टुडे। आई विल जस्ट अप्लाई अ लिप ग्लॉस आफ्टर दैट एंड आई इवन नॉट अप्लाई मस्कारा बिकॉज समर्स में वी डोंट प्रेफर अ लॉट ऑफ थिंग ऑन टू माई फेस बिकॉज वो मेल्ट हो जाती है एंड दिस इज़ अ रीज़न आई यूजली डोंट डू। आई जस्ट लाइक वेयर सम समरी ड्रेसेस एंड देन आई एम गुड टू गो। सो दिस इज़ माई करंट पेस एंड नाउ आई जस्ट शो यू वॉट विल आई अप्लाई ऑन माई लिप्स। फॉर माई लिप्स आई विल बी अप्लाइंग दिस। दिस इज अ मेकअप रेवोल्यूशन लिप बॉम। सो दिस इज हाउ आई विल अप्लाई दिस एंड दिस इज अ
वेरी गुड वन। This has this plumping effect as well, and which like gives you a very pretty glow. So guys, this is how I usually go out in summers, and I just usually do this, not anything else from this. I just apply some concealer, and jab mujhe kabhi need hoti hai to I'll apply some compact powder as well, but apart from that I usually don't apply anything. बिकॉज समर्स में आपकी स्किन पे आप जितना कुछ पे लगाओगे वो उतना ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करेगी एंड देन वो वर्थ इट नहीं होगा. सो आई डोंट अप्लाई इट, आई जस्ट ट्राई टू कीप माई स्किन हाइड्रेटेड. आई यूज टू लाइक मॉइस्चराइज माई स्किन अलॉट, एंड उसके अलावा उस पर आप सनस्क्रीन लगाओ एंड ट्राई करो कि आप ऊपर से एज अ मेकअप प्रोडक्ट्स अवॉइड ही करो, बिकॉज समर्स में वही बेटर रहता है. ओके सो गाइज, ये मेरा समर बेस था जो कि मैं यूजुअली करती हूँ, एंड इट्स वेरी ग्लोइंग, इट्स वेरी शोज यू वेरी गुड इफेक्ट. सो लेट्स जस्ट रैप अप द वीडियो एंड वी विल मीट इन द न्यू वीडियो. ओके गाइस, बाय.